हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ जिस फेशियल ऑयल का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है नायका का फेशियल ऑयल। और फ्रेंड, ये फेशियल ऑयल जो है काफ़ी अच्छा मुझे इस वजह से लगा क्योंकि ये स्किन को एक बहुत अच्छी सी शाइन देता है। मेरी एक कॉम्बिनेशन स्किन है, थोड़ी सी विंटर्स के टाइम ड्राई हो जाती है, समर के टाइम जो है थोड़ी सी ऑयली हो जाती है। ऑयल बेसिकली मेरी नोज़ टी जोन वाले एरिया पर ही आता है, तो मैं जो है कई बार मुझे अगर अपनी स्किन पर ग्लो चाहिए होता है तो मैं इसको अपने फाउंडेशन के साथ, मॉइस्चराइज़र के साथ मिला के भी अप्लाई करती हूँ। तो आगे मैं किस किस तरीके से फेशियल ऑयल का यूज़ करती हूँ मैं आपको शेयर करूँगी। पैकेजिंग की बात कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके की पिंक कलर की पैकेजिंग में आता है। नेट क्वांटिटी आपको 10 ml मिल जाती है। फ्रेंड, इसका प्राइस है 550 rupees। ये थोड़े बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है, बट जो रोज़ एसेंशियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं मिलेगा। और आप कोशिश करें कभी भी आप कोई भी एसेंशियल ऑयल खरीदे तो वो किसी अच्छे ब्रांड का ही खरीदे, तभी वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। देख लेते हैं, तो ओपन करने में ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और इसके साथ हमें ये ड्रॉपर मिल जाता है और ड्रॉपर की हेल्प से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और एकदम रियल जो है रोज़ वाली इसकी फ्रेग्रेंस है। अगर आपको रोज़ की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है तो आप इसको डेफिनेटली पसंद करेंगे। रोज़ जो होता है स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि ये आपकी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डलनेस है तो रोज़ एसेंशियल ऑयल का अगर आप यूज़ करते हैं तो वो डलनेस धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। रोज़ का यूज़ हम जो है फेस पैक में भी करते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी रोज़ का बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका किस तरीके से यूज़ करती हूँ, तो फ्रेंड, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप जो है अपने फाउंडेशन के अंदर रोज़ की एक ड्रॉप मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आपका फाउंडेशन ड्यूई हो जाता है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपका जो है स्किन में एक बहुत अच्छा सा बेस तैयार होता है। और उसके बाद आपकी स्किन जो है काफ़ी ग्लॉसी लगती है, काफ़ी फ्लॉलेस लगती है। और सेकेंड क्या तरीका है, आप इसको एज अ फेस पैक भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने फेस पैक के लिए मुल्तानी मिट्टी का यूज़ किया है। मुल्तानी मिट्टी जो है एक्सफोलिएटर का काम करती है, आपके स्किन के ऑयल को एब्जॉर्ब करती है, पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। क्योंकि फ्रेंड, मुल्तानी मिट्टी स्किन को थोड़ा सा ड्राई बनाती है, तो आप उसमें 2 बूंद रोज़ एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने फेस पे लगाते हैं तो फेस पर काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है। थर्ड यूज़, आप इसको अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिला के लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और आपको लग रहा है कि आपका मॉइस्चराइज़र इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आप अपने मॉइस्चराइज़र पे 1 बूंद जो है एसेंशियल ऑयल की डालिए और अपने फेस पे लगाइए, आपके फेस की ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। तो ये इतने सारे तरीके हैं आपको एसेंशियल ऑयल यूज़ करने के, आप इस तरीके से इन्हें यूज़ कीजिए। डायरेक्टली फेस पर एसेंशियल ऑयल ना लगाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है, तो स्किन पर स्पेशली समर के टाइम पे स्टिकनेस आ सकती है। तो आप जो है किसी चीज़ के साथ ऐड करके ही इसे लगाइए तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। लिटिल क्वांटिटी आपको चाहिए होती है, ओनली 1 ड्रॉप, और ये बहुत अच्छा वर्क करती है, तो आप इसे ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, स्किन में ग्लो नहीं है, स्किन में ग्लो चाहते हैं और हेल्दी स्किन चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो अबाउट दिस एसेंशियल ऑयल। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय।